आपने जो बताया मैम, एक और मैं आपको एक हमने ढूंढने की कोशिश की, वो वीडियो तो नहीं मिला लेकिन उसका एक क्लिप मिल गया। अब एक जगह आप भाग रही हैं और दूसरी जगह आप शायद डांस कर रही हैं, जरा दिखाइए वो क्लिप जरा यहां पर वो। अब ये क्या है, ये क्या था मीनाक्षी जी? अब आप ये बताइए, ये मैं हूं? ये मैं हूं? दिस इज फेक न्यूज। वही गैंग ये फेक न्यूज भी चला रहा है। जो गैंग ने पहला वीडियो चलाया ये नहीं बताया कि उस सवाल का जवाब मैं दे चुकी हूं, और आज भी आपके मंच पे मैंने उस सवाल का जवाब दिया, किसी महिला की कोई और वीडियो में ये कहकर ये मीनाक्षी लेके डांस कर रही है। अब मैम एक और चीज है, अब बताइए एक्शन होना चाहिए या नहीं? फेक न्यूज के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। चलिए एक और क्लिप है, अब ये बताया जा रहा है कि आप इसमें सो रही हैं। अब इसका भी मैं जवाब देती हूँ। देखिए 9 साल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हाँ, 9 साल की प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर जयशंकर कर रहे हैं, तो मेरा नॉर्मल रिएक्शन पता है इस पे क्या होता? मैं कहती या तो मैं बहुत थकी हुई हूँ या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बोरिंग थी, ये जवाब है ना नॉर्मली। लेकिन दोनों बातें गलत है, क्योंकि जब आप एक मंत्री हैं और खुद प्रवक्ता रह चुके हैं, मीडिया से इंटरेक्ट करना, बात करना, ये आपके DNA का हिस्सा है, आपकी अलर्टनेस लेवल बिल्कुल अलग है। और जो मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैं, मतलब बहुत सारी बुराइयाँ होंगी मेरे अंदर, लेकिन मैं अलर्ट नहीं हूँ, ये बुराई नहीं है मेरे अंदर। तो मैं पेन लेकर कुछ लिख रही हूँ, मैं एक्चुअली आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं पेन लेकर लगातार लिख रही हूँ। ये 100% डीप फेक है, और डीप फेक के अंदर कैमरा ऐसे डाला गया, और अगर हो सकता है कि जो मेरे को समझ है कि अब आपसे बात करते करते भी एक स्प्लिट ऑफ अ सेकंड कभी आँख बंद होता है, उसी 1/3 हिस्सा सेकंड के आपकी आँख बंद हुई, उस क्लिप को 5 सेकंड तक चलाया गया या 1 मिनट तक चलाया गया। ये जो डॉक्टर्ड वीडियो है, ये डॉक्टर्ड वीडियो है। मेरा ये कहना है कि ये डॉक्टर्ड वीडियो है, क्योंकि इसका ओरिजिनल वीडियो हमारे पास है। इस पे एक्शन होना चाहिए या नहीं? माई पॉइंट टुडे आई एम मेकिंग इज फेक न्यूज, सोशल मीडिया को मिसयूज करना, सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म बनाकर झूठी खबरें उड़ाना और व्यक्ति की छवि धूमिल करना, अगर ये अपराध है नॉर्मल जिंदगी में, तो ये सोशल मीडिया पर जब होता है अपराध है या नहीं? कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? एग्जैक्टली यू आर प्रूविंग माई पॉइंट, क्योंकि ये सब एक कैंपेन के द्वारा 2024 को लेकर चलाया जा रहा है, उसी हैंडल्स और उन्हीं आइडेंटिफाइड हैंडल से जो आपको दूसरी तरीके से झेल नहीं पा रहे। ओके,